बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ दिन ही शेष हैं। ऐसे में राजनीतिक दल ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दावे वादे घोषणाएं भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार बिहार में संयुक्त रूप से चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि इस बार बिहार की जनता नीतीश और मोदी को करारा जवाब देगी। नवादा जिले के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी रैली में तेजस्वी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए शुरुआती भाषण में कहा कि वो उबाऊ और थकाऊ भाषण देने नहीं आए हैं। उन्होंने भोजपुरी में कहा कि 15 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या ब्लॉक या जिला में कोई काम बिना चढ़ावा दिए होता है। तेजस्वी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोरोना संक्रमण फैला तो नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री आवास में बंद हो गए थे और हम सबको सड़क पर छोड़ दिया था। तेजस्वी ने सभा में उपस्थित लोगों से पूछा कि क्या 15 साल में नीतीश जी ने आपको रोजगार दिया, पलायन रोका, उन्होंने राज्य में उद्योग धंधे लगवाए। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी कहते हैं कि बिहार समंदर के किनारे नहीं है, इसलिए यहाँ उद्योग नहीं लग सकते, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लालू जी ने रेल मंत्री रहते हुए मधेपुरा छपरा में रेल कारखाना लगवाए या नहीं लगवाए। वही राहुल गांधी ने अपने संबोधन में नीतीश कुमार पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनका भाषण आप लोगों को कैसा लगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सवाल शहीदों के सामने सिर झुकाने का नहीं है, सवाल यह है कि जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए तो देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल ये है। राहुल ने पीएम पर सैनिकों और देशवासियों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने बिहार की जनता से पूछा कि क्या मोदी जी ने आपको रोजगार दिया है, पिछले चुनावों में उन्होंने पैकेज देने की भी बात कही थी, तो क्या वो मिला